नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे धरने पे, जी हाँ हमारे धरने पे उपेंद्र जी यादव अब हमारे धरने पे हमारे साथ आ गए हैं और वो हमारे साथ ही बैठेंगे जब तक कि नियुक्ति आदेश जारी नहीं करवा देते हैं। उपेंद्र जी यादव भाई साहब पूरे दमखम से जोर लगा बैठे हैं और इस सरकार से जो तानाशाही सरकार है आरपीएससी जो पूरी तरह से सिस्टम फेलियर है इनका, कोर्ट के में उलझा के भर्ती बैठी थी, अब हमारे उपेंद्र जी यादव इस भर्ती को सुलझाएंगे और हमें नियुक्ति जल्दी दिलवाएंगे। आप सभी को, जी हाँ आप सभी को खुशखबरी जल्दी देंगे। उपेंद्र जी यादव हमारे बीच में यहाँ धरने पे मौजूद है और वो हमारे धरने पर ही रहेंगे जब तक कि हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती। अब ये धरना मेरा या हमारे सभी साथियों का नहीं है, ये धरना उपेंद्र जी यादव का है और नियुक्ति दिलवा कर रहेंगे। भाइयों नवीन जी भाई साहब क्या बोलोगे हमारे भाई जो घर बैठे हुए हैं अभी तक भी? मैं सभी को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि अब हमारे धरने में जान आ चुकी है, जो अब तक बेजान पड़ा था लेकिन उसको संभाला हुआ था हम लोगों ने, लेकिन अब उपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि घरों से निकलो और जल्दी से जल्दी धरने में पहुंचो और इसको अपने को जल्दी सफल बनाना है, क्योंकि अगर अभी नहीं पहुंचे तो कभी नहीं, जुलाई भी हो सकती है और हो सकता है 2022 भी हो जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचो, हम जीत के बहुत करीब है। अगर ये हमें नहीं मिली तो ये अपने से बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है जल्द से जल्द पहुंचो। भाइयों और बहनों सारे रास्ते, चाहे कोर्ट का रास्ता चाहे कोई भी रास्ता हो, लेकिन धरने में जो ताकत है हमारे पास, धरना ही हमें नियुक्ति दिलवा के रहेगा। और ये धरना कब सफल होगा? जब आप सबका साथ मिलेगा, यहाँ पर आ जाओगे, जब उपेंद्र जी यादव का ये धरना है सबको यहाँ आना है। और नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, अभियान चलाना है, ये अभियान चलाना है। सभी साथियों को, सिस्टम को, ये सरकार को, आरपीएससी को बता देना है कि अब इस देश का युवा बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला है और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2018 भर्ती की नियुक्ति हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उपेंद्र जी भाई साहब जल्दी हमें नियुक्ति दिलवा कर रहेंगे। आप सारे लोग ये समझ लो कि अब ये धरना अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। सारे लोगों को अपनी अपनी ताकत लगा के हमारी ताकत को भी और मजबूत बनाना है, जिससे कि अब की बार जो भी बार हो वो आखिरी बार हो। बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं, नियुक्ति चाहिए चाहिए और चाहिए। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, अरे नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद। जब जब झुंड एक भीड़ वहां इकट्ठी हुई, युवाओं में आक्रोश था और अब मैं मौजूद हूँ अजमेर। यहाँ पिछले 11 दिन से स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। आरपीएससी की ताना सही है और ध्यान नहीं दे रही। अभी से मेरा निवेदन है, घर से निकले और यहाँ पहुँचे। जब राजसमंद जा रहा था, इन लोगों से मिला, राजसमंद में हमने रैली की, लोगों से मिले, उदयपुर में मिले, लेकिन मैंने इन अभ्यर्थियों की जो हालत देखी, कई लोग अवसाद में थे, रोते हुए थे। मैंने कई लोगों को रोते हुए चुप भी किया, राम सैनी भी रोए, कई लोगों की स्थिति देखी। तो मुझे जाना था क्योंकि 10 तारीख की हम रैली निकाल रहे हैं सुजानगढ़ में उपचुनाव क्षेत्र में, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि इनकी जो स्थिति देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन इनके साथ रुकूं, उनकी आवाज़ उठाऊं। तो साथियों मैं आपके धरना स्थल पर मौजूद हूं, अभी भी मौजूद हूं। जो घर पे है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए निकले, अन्यथा फिर आचार संहिता का बहाना होगा, फिर कई बहाने होंगे, भर्ती पे लटकती रहेगी और आप लोग भटकते रहेंगे। अभी आपके पास समय है, घरों से निकले, धरना स्थल पर पहुंचे। हम चाहते हैं चाहे कोर्ट के अधीन इनको ज्वाइनिंग दे, नए व्यक्ति आते हैं हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अपने भविष्य के लिए घर से निकले, चाहे वो भाई हो चाहे बहन है, निकले, अन्यथा आप भटकते रहोगे। कई भर्तियों की हालत 2013 से लोग भटक रहे हैं, आज वो चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि आप इस सिस्टम के मारे आप लोग भटकते रहोगे। तो आपसे मेरा निवेदन, अपने भविष्य के लिए घर से निकले, कल ज्यादा संख्या में पहुंचे, मैं आपका साथ देने के लिए आपके साथ हूँ, और जब तक आप स्कूल में नहीं पहुंच जाओगे मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। उपेंद्र जी हमारे साथ अब धरने की रोटियां खा रहे हैं, जो धरने पे जो खाना खाते हैं भाई साहब, ये देखिए नीचे बैठ के क्या नहीं, तो आप खाने वाने कोई चिंता मत करो, सारी व्यवस्था कर रखी है बढ़िया। बस आप तो यहाँ आओ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे पूर्ण रूप से